Hey guys, I'm Tan and welcome back to my channel. So today's video is all about Max Hall. So मैं recently Max पर गई थी और मैं Max पर ऐसे ही गई थी, you know, just randomly check out करने के लिए क्या क्या है. But मैंने जैसे ही अंदर गई, I saw कि सब कुछ ही सेल पर था. Like everything was on 50% off. Plus कुछ कुछ racks जो थे वो 70% पे भी थे, like flat 70% off. I don't know क्या occasion था जो उन्होंने इतनी अच्छी sale लगा रखी थी. But mostly everything was on sale and I shopped my heart out. Like जो rack था 70% वाला, उस पर तो मैंने बहुत कुछ खरीदा. लाइक उसी रैक पर से बेसिकली मैंने खरीदा, बिकॉज आई वॉज लाइक या 70% पे चीज़ें हैं तो मैं 50% वाला क्यों लूँ. एंड या दैट्स वाई आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर. एंड या बहुत ही अच्छी सेल लगी थी. ऊपर की तरफ वेस्टर्न वेयर में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. अगर आप नीचे जाओगे इंडियन वेयर के अंदर, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी सेल की आइटम्स मिल जाएंगी. सब कुछ ही सेल पे था ऑलमोस्ट. एंड स्लीपर्स वगैरह भी सब कुछ सेल में लगा हुआ था. एंड आई वॉज रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग द सेल, बिकॉज यू नो हु डजंट लाइक सेल. ओके, सबको ही सेल पसंद है. Everything was on sale, so I just saw everything and then I bought few products and I really wanted to share with you guys ki maine kya kya khareeda. So maine 70% sale ke rack par se hi maine sab kuch khareeda and I'm going to show you that. Now without further ado, let me just start with the hauls. So the first item which I bought is this one. This is a dress. Okay, aap isko kurti ki tarah bhi wear kar sakte ho. Ye knee ke niche tak aati hai and I really love how it looks. Iska print mujhe bahut hi sundar laga. Ye like ye flower bane hue hain, roses I would say. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं एंड आई रियली लव हाउ इट लुक्स. ये फिटेड ड्रेस है एंड ये नीचे कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाला यू कपड़ा लगा हुआ है. आई रियली लव हाउ इट लुक्स. ये नीचे फ्रिल टाइप बना हुआ है, लाइक हाउ प्रिटी इट लुक्स. ओके, ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट इमीडिएटली. मैं यूजुअली मीडियम साइज प्रेफर करती हूँ, बिकॉज यू नो थोड़ा बहुत लूज रहे तो अच्छा लगता है. बट ये मुझे स्मॉल साइज में मिला और जब मैंने वेयर किया तो इट वॉज फिटिंग मी वेल, दैट्स आई बॉट इट. सो या दिस द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट एंड आई रियली 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 लव हाउ इट लुक्स. सो नाउ द सेकेंड ड्रेस विच आई बॉट इज दिस वन. ये भी एक बहुत ही सुंदर चेक प्रिंट में ड्रेस है. इसके यहाँ पर यू फ्लावर बने हुए हैं एंड आई रियली 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 लाइक हाउ इट लुक्स. द कलर इज ब्यूटिफुल. ओके, ये एक फूशिया पिंक कलर की ड्रेस है या रेडिश पिंकिश मिक्स है इसके अंदर एंड आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स. इसके ऊपर ये फ्लावर बना हुआ है एंड इट हैज अ यू नो स्वीट हार्ट नेक लाइन. और ये स्ट्रैप वाली ड्रेस है जिसको आप यू नो टाइट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये दिया हुआ है बकल सो दैट यू कैन टाइटन योर स्ट्रैप, विच आई रियली लाइक. एंड ये भी नी लेंथ वाली ड्रेस है एंड ये थोड़ी हाई लो वाली ड्रेस है. यू नो साइड से लो है, मिड से हाई है, विच आई रियली लाइक. थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, सो आई रियली लाइक दिस ड्रेस. और इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब मैं बिलिंग करा रही थी, सो द लेडी जो बिल कर रही थी उसको ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी और 70% या 200-250 रुपये की कुछ मुझे मिली. सो द लेडी वॉज रियली लाइकिंग इट, बट आई वॉज लाइक नहीं, सिर्फ एक ही इसका पीस एक ही था एंड आई बॉट इट. एंड ये मैंने अगेन स्मॉल साइज में लिया, बट इसकी फिटिंग काफ़ी ठीक ठाक है. लाइक बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, थोड़ा लूज लूज फिटिंग है. आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट इट. सो या दिस द सेकेंड थिंग विच आई बॉट. नाउ अगेन मैंने ये ड्रेस ली है जो कि आप कुर्ती की तरह वेयर कर सकते हो. ये ड्रेस का कलर आई रियली लाइक. इसका ये मस्टर्ड येलो कलर है और ये पूरी बटन डाउन शर्ट टाइप ड्रेस है और इसके यहाँ पर ये पॉकेट बनी हुई है जिसके ऊपर ये कटवर्क वाली एम्ब्रॉयडरी है. एंड ये कॉलर वाला शर्ट है जिसके कॉलर पर भी एक कटवर्क वाली एम्ब्रॉयडरी है एंड आई रियली लाइक इट. ये स्लीवलेस है एंड बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे. एंड या आई रियली लाइक दिस. यू नो काफ़ी सटल ड्रेस है बट ये जो कटवर्क वाला वर्क है इससे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है. और पॉकेट्स तो आई रियली लव इन अ शर्ट इन अ ड्रेस. बहुत ही अच्छी मुझे को पॉकेट्स लगती है. आई रियली लव द पॉकेट्स. सो या दिस इज द नेक्स्ट परचेज विच आई बॉट. उसके बाद मैंने दो स्कर्ट्स ली हैं. फर्स्ट स्कर्ट इज दिस वन. ये एक स्कर्ट है जो कि मैंने दो ली हैं एक्चुअली, एक मीडियम साइज में और एक लार्ज साइज में, बिकॉज एक मैंने अपने लिए ली है और एक मेरी मम्मा के लिए. बिकॉज इसका प्राइस बहुत अच्छा था, 70% ऑफ पे थी एंड आई वॉज रियली लाइकिंग द स्कर्ट. ओके, काफ़ी घेरा है स्कर्ट में. आई रिसेंटली वोर इट एज वेल. तो ये सटल गोल्डन प्रिंट इस पर हो रहा है, फ्लावर प्रिंट इस पर हो रहा है एंड आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स. बहुत ही सुंदर फैब्रिक भी है इसका, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है. ऊपर इलास्टिक लगी हुई है, लाइक पीछे इलास्टिक और आगे ऐसे बैंड बना हुआ है. साइड में बटन्स लगे हुए हैं सो दैट यू नो आपको अच्छे से फिट आ जाए ये स्कर्ट. एंड साइड में ऐसे ही टैसल्स लगे हैं विद अ स्ट्रिंग,
सो या दिस इज़ हाउ दिस स्कर्ट लुक्स एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है और घेरा भी बहुत अच्छा है. सो या दिस द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट. नाउ उसके बाद मैंने एक और स्कर्ट लिया है विच इज़ इन दिस ब्यूटिफुल कलर. ये बहुत ही अच्छा कलर मुझे लगा, उसका प्रिंट जो है इसके ऊपर ये पिंक कलर का प्रिंट हो रहा है जो कि काफ़ी सुंदर मुझे लग रहा है. इसके ऊपर भी फ्लावर प्रिंट ही कुछ हो रहा है और ये भी 70% ऑफ पे थी. तो जो जो 70% ऑफ में था और मेरा साइज था और मुझे अच्छा लग रहा था, मैं सब कुछ ले ही जा रही थी. एंड या ये है, मैंने लिया है स्मॉल साइज के अंदर. इसके अंदर स्मॉल साइज ही पड़ा था, मीडियम नहीं पड़ा था, बट आई जस्ट बॉट इट बिकॉज यू नो पीछे इलास्टिक लगी हुई तो आपको अच्छे से फिट भी आ जाएगा. एंड या आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स. इसके भी साइड में ये स्ट्रिंग लगी हुई है, नीचे ये टैसल्स लगे हुए हैं, साइड में बटन्स हैं. एंड या व्हाट्स नॉट टू लाइक अबाउट द स्कर्ट, ब्यूटिफुल कलर इट हैज, ब्यूटिफुल प्रिंट इट हैज. एंड मैक्स के कपड़ों का फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है, उनके फैब्रिक के कलर भी फेड काफी कम होते हैं. सो या आई रियली लाइक दिस वन इज वेल. एंड या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज. नाउ नेक्स्ट अप आई बॉट दिस पलाजो जो कि बहुत ही सुंदर कलर में और इसके अंदर सारे में कटवर्क हो रखा है. ये एम्ब्रॉयडरी जो कटवर्क वाली होती है बहुत ही सुंदर मुझे लगती है और काफी इन भी है. और इस पे तो सारे में ही हो रखी है, लाइक लुक एट दी अमाउंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इट हैज, बहुत ही सुंदर है. यहाँ पर इलास्टिक लगी हुई है और इसमें मैंने लार्ज साइज लिया है बिकॉज और कोई साइज नहीं था और मुझे ये प्लाजो बहुत ही अच्छा लग रहा था. इसके नीचे यू नो अस्तर भी लगा हुआ है, फैब्रिक भी लगा हुआ है ताकि यू नो थोड़ा सी थ्रू ना लगे, विच इज़ रियली गुड. और ये 70% ऑफ पे ही था तो मुझे ये छोड़ना नहीं था, दैट्स व्हाई आई बॉट द साइज एल. अगर ये मुझे नहीं आएगा तो मेरी मम पहन लेगी, बट मैंने ये ट्राई आउट किया, मुझे ठीक ठाक आ रहा था और थोड़ा लूज लूज लग रहा था विच आई एम ओके अबाउट. सो या आई जस्ट ग्रैब्ड इट इमीडिएटली. और इसके अंदर पॉकेट्स भी है विच आई लव. ओके आई लव हैविंग पॉकेट्स इनटू माय पैंट्स इनटू माय प्लाजो, सबके अंदर मुझे पॉकेट्स दे दो देन आई एम रियली हैप्पी. सो या दिस द नेक्स्ट परचेज विच आई बॉट. एंड इसका फैब्रिक तो काफी अच्छा है ही, प्लस ये वाइड प्लाजो है. लुक एट दी विड्थ ऑफ इट, आई रियली लव हाउ इट लुक्स. So this is the next purchase. Now next up I bought another plazo. ये बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था, check print में ये है. ये मुझे काफ़ी लूज आ रहा था और मेरी मम्मा को ये ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. वो पैरेट अप विद अ वाइट टी शर्ट और यू नो ब्लैक टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. एंड आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस बहुत ही अच्छा मुझे पड़ रहा था, सो आई जस्ट ग्रैब्ड इट बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं इसकी फिटिंग करा लूँगी टेलर से बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट टू लीव इट. ये मैंने लार्ज साइज में लिया है एंड आई रियली लव हाउ इट लुक्स. ये भी काफ़ी वाइड प्लाजो है एंड आई रियली लाइक टू पैरेट अप विद अ वाइट टी शर्ट. इसके अंदर इलास्टिक नहीं है, इसके अंदर इलास्टिक होती ना तो फिट आ जाता, बट इसके अंदर ऐसे ही बटन लगा हुआ है, जिप है, प्लस दे हैव दिस बेल्ट. ओके बेल्ट से आप टाइट करके पहनना चाहो तो पहन सकते हो, बट यू नो थोड़ा इल फिटेड लगता है विच आई डोंट लाइक. तो मैं इसको टेलर से फिटिंग करा लूंगी एंड देन इट विल बी रियली गुड. सो दिस द नेक्स्ट परचेज ऑफ माइन. नाउ द लास्ट परचेज ऑफ माइन इज दिस वन. ये एक प्लाजो है बट ये धोती स्टाइल प्लाजो है, लाइक ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बट ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था. 70% का ही ऑफ था इस पर भी और ये ओरिजिनल प्राइस इसका 700 रुपीज़, तो मुझे अराउंड 200-250 रुपीज़ का मिला. एंड दैट इज़ वाई आई बॉट इट ओनली बिकॉज यू नो थोड़ा सा डिफरेंट लुक ये दे रहा था एंड आई वॉज लाइक कि वील सी कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं. इसके अंदर भी बहुत सारी पॉकेट्स है. ओके फ्रंट पॉकेट्स भी है, बैक पॉकेट्स भी है, सो आई वॉज रियली इंट्रीग्ड एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट. एंड यहाँ पर ऐसे इलास्टिक लगी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छे से फिट भी आ गई है, मैंने मीडियम साइज में लिया है. सो या इसके डिफरेंट होने की वजह से, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होने की वजह से आई जस्ट बॉट इट एंड प्राइस बहुत अच्छा था, दैट इज़ ऑल्सो द अनदर रीज़न वाई आई बॉट इट. So yeah, this is the last purchase of mine and yeah, with that this whole Max haul is finished. I really loved this Max sale. Main randomly hi Max pe gayi thi but I just grabbed some amazing pieces at an amazing price. Okay, fabulous price I would say. So yeah, that's it for this haul. I really loved each and every item which I bought. So yeah, that's it for today. I'll see you guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.